पबजी खेलेंगे, टिकटॉक बनाएंगे, किसको पीटूंगा? सूखी मोमबत्ती क्या कर रही? बंद चाइनीज, बंद बोला, बिल्कुल बंद, कोई आ जाए आगे, बंद, तुम्हारी बहन को नमन, 001 बहन को नमन, बंद बंद यहाँ से, चाइनीज बंद, बिल्कुल बंद, कुछ नहीं, बंद तेरी बहन को नमन, चाइनीज बिल्कुल बंद। डिस्क्लेमर दे रहा हूँ भगवा, इस वीडियो में पूर्ण रूप से घर पे बने हुए बेसन की पकौड़ी की तरह 100% शुद्ध गालियाँ दी जा सकती है। अगर तुम्हें भी बस स्टैंड के पास बैठने वाले महाराज के हाथ के चेंगुड़ वाले पकौड़े खाने में इंटरेस्ट है तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। हेलो स्केरी आर्मी का, तुम्हें पता ही होगा कि टिकटॉक बैन हो चुका है। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। तो आज हम बात करने वाले टिकटॉक बैन के बारे में। चीनी ऐप पर बैन से जुड़ी बड़ी खबर जान लीजिए। जिन 59 ऐप पर बैन लगा है उनमें टिकटॉक भी शामिल है। इस बैन पर टिकटॉक का बयान सामने आया है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। तो कुछ चूतिए टिकटॉक पे बोल रहे थे कि टिकटॉक बैन नहीं होगा, टिकटॉक पे आके बोल रहे हैं कि टिकटॉक बैन करो, नहीं होगा। और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बंद नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है इंडिया में और बहुत ज्यादा लोग उसको यूज। आप बोल ना मैडम चोर। इनके लिए मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा, दुनिया में कितने भी लगे रोड़े हैं, टिकटॉक वाले बहन के लोड़े हैं। मैंने यह न्यूज सुनी थी जब टिकटॉक बैन हो रहा है, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ये चीज आई थी, म्यूजिक पार्टी वाले ने घुटने टेक दिए। मैं नहीं मानता। और सच्ची, अरे नाना जी टांग, अरे मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी पहली बार है ना। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, टिकटॉक बैन होने के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा खुश एक ही इंसान होगा और वो है केरी मिनाटी। उसकी हैप्पीनेस इनटू 100 हो रही है। आज खुश तो बात हो गया था। टिकटॉक बैन होने के बाद टिकटॉक वाले करेंगे क्या, इंस्टाग्राम पे आएंगे? तो ही मैं हूँ, वरना मुझे कौन देखेगा। तो यार प्लीज, जितने भी लोग मेरे को यहाँ पर देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, जेन्युइनली पसंद करते हैं मुझे, प्लीज इंस्टाग्राम पर आ जाओ। इंस्टाग्राम आना मत, मेरे गांव में आना, नहीं आग लगा दूंगा तुमको, नुगान में खिले ठोक दूंगा, पेड़ में टायर में। ठीक, यूट्यूब पे आएंगे। हमें हमारे आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो। आके दिखा तेरी माँ का भोसड़ा म्यूजिक। मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर तुम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे आ रहे हो तो आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी बकचोदी वहाँ करते थे ना, यहाँ मत करना। यहाँ की ऑडियंस समझदार दिमाग वाली है, चूतिया चीज़ें नहीं देखती, ठीक है? तो टिकटॉकर बेचारे करेंगे क्या जब टिकटॉक बैन हो चुका है? तो चलो फेसबुक करेगा क्या? पूरी अक्की की अक्की मुंबई हिल चुकी होगी। छपरी पीपल्स, अगर टिकटॉक चलाते हो पंचर से करना ना मंगता है। अगर तुम किसी भी चलते हुए यूट्यूबर से पूछोगे भाई तुम्हारे क्या हाल है, तो वो बोलेंगे मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अरे कहना क्या चाहते हो? ए दीदी, खाना वाना बना। कुछ फायदा नहीं है, देख अच्छा खासा घर पे रोटी चावल ये सब भाजी बीजी बना, भेंचो घर संभाल, ये सब चाले मत कर, समझा? ये सब चाले मत कर, क्योंकि कभी टिकटॉक बैन हो चुका है। इंडिया से टिकटॉक तो जा रहा है ना? जाए, मैं नहीं रोऊंगी, पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकटिक मित्रो पता नहीं कौन से कितरो एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी। बाय। जली ना तेरी भी जली ना। ठीक है गाइस, वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं पहली बार लाइक एम रख रहा हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 50, हाँ ओनली 50 लाइक ही बोल रहा हूँ मैं। और कमेंट कर देना। और बस जाते जाते एक ही बात बोलना चाहूंगा टिकटॉकर्स, अगर मैं तुम्हें बस एक ही बात बोलना, अगर मेरी वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो ठीक है, अगर अच्छी नहीं लगी हो छोटे बनी मेरी धुने, सोचो उम्र से बड़ी बड़ी बातें कहे मुझसे कार्टून के जैसे, फनी सारे नमूने मानसून में जैसे मशरूम, यहाँ बस घूम रहे हैं जो जंगली पौधे हो गए। किसी को भी पढ़ना नहीं है।